मजा आएगा ना भिड़ो। सो व्हाट्सअप गाइस, किसो आप लोग गाइस सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की वीडियो हम लोग जानने वाले परफेक्ट फाइव बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में। अगर गाइस आपको किसी भी बंदे को हेडशॉट या वनशॉट देना है तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका ड्रैग वाला बटन। अगर आपके ड्रैग वाले बटन का सही साइज एंड पोजीशन हो तो हेडशॉट मारना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो आज की वीडियो हम लोग वही जानने वाले परफेक्ट फाइव बटन साइज एंड पोजीशन के बारे में, जिससे गाइस आप किसी भी बंदे को एकदम इजीली हेडशॉट या वनशॉट मार पाओगे। आपको किसी भी बंदे को हेडशॉट या वनशॉट मारने के लिए जितना आपको ड्रैग चाहिए उतना मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस ये वीडियो सबके लिए होने वाला है, मतलब जो लो एंड डिवाइस में खेलते हैं, हाई डिवाइस में खेलते हैं, वो दोनों को बताऊंगा जो आपका ड्रैग वाला बटन उसका साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए, जिससे आप किसी भी बंदे को एकदम इजीली हेडशॉट या वनशॉट मार पाओ। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं छोटी सी इंट्रो के बाद। जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरे पास तीन मोबाइल, एक लो एंड डिवाइस है, एक हाई एंड डिवाइस, एक मीडियम डिवाइस है। तो हाई एंड डिवाइस में आ जाता है आपका 6GB 8GB रैम मोबाइल, और लो एंड डिवाइस में आ जाता है 2GB 3GB रैम मोबाइल, और मीडियम डिवाइस में आ जाता है आपका 4GB रैम मोबाइल। तो गाइस हम लोग वन बाय वन हर एक मोबाइल का जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज एंड पोजीशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लो एंड डिवाइस की बात करते हैं। अगर आप 2GB 3GB रैम में खेलते हो तो आपका जो ड्रैग वाला बटन उसका साइज एंड पोजीशन है क्या रखना चाहिए। तो गाइस जैसे आप अभी बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरे हाथ में 3GB रैम मोबाइल है जो कि लो एंड डिवाइस है। इसी में मैं आपको बताऊंगा आपका जो ड्रैग वाला बटन उसका साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए, और जो मैं इसमें बताऊंगा ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन वो गाइस आप 2GB रैम मोबाइल में भी खेलते हो उसमें भी रख सकते हो, क्योंकि दोनों जो मोबाइल है वो लो एंड डिवाइस है, तो दोनों का जो ड्रैग वाले बटन का साइज एंड पोजीशन है वो दोनों का सेम है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस अपने कस्टम एचयूडी सेटिंग में जाते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैंने अपना कस्टम एचयूडी सेटिंग है वो ओपन कर लिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जान लेते हैं आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज क्या रखना चाहिए। तो गाइस अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो 2GB 3GB रैम में खेलते हो तो आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज 40 से लेकर 45% तक रखना है। तो जैसे मैंने रखा है 40 से लेकर 45%, तो आप चाहो तो 40, कम से कम 40 रखना, ज्यादा से ज्यादा 45%। और गाइस इतना छोटा इसलिए बोल रहा हूँ ड्रैग वाले बटन को रखने को, क्योंकि आपका जो लो एंड डिवाइस होता है उसका मोबाइल का स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो गाइस जो आपका ड्रैग वाला बटन है अगर उसका साइज बड़ा कर लोगे तो अगर आपका जो ड्रैग वाले बटन का जो बाजू में बटन होते हैं उसके ऊपर क्लिक करोगे तो भी ड्रैग वाले बटन पे क्लिक हो जाएगा। तो गाइस इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका जो ड्रैग वाला बटन उसका साइज छोटा रखना। अभी बात करते हैं अगर आप लो एंड डिवाइस में खेलते हो, मीन 2GB 3GB रैम में खेलते हो, तो आपका जो ड्रैग वाला बटन उसका पोजीशन किधर रखना चाहिए। तो ड्रैग वाले बटन का जो पोजीशन है वो नीचे रखना, जिधर मैं अभी आपको दिखा रहा हूं उधर रखना है, जिससे आपको जितना ड्रैग चाहिए उतना मिले, क्योंकि इस लो एंड डिवाइस में जो आपका मोबाइल का सेंसिटिविटी होता है बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए आपको जितना ड्रैग चाहिए उतना नहीं मिलेगा, इसलिए नीचे रख लो जितना आपको ड्रैग चाहिए उतना मिलेगा। अभी बात करते हैं अगर आप 4GB रैम मोबाइल में खेलते हो, मीन अगर आप मीडियम डिवाइस में खेलते हो, तो आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए। तो जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरे हाथ में अभी 4GB रैम मोबाइल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कस्टम एचयूडी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैं अपने कस्टम एचयूडी सेटिंग में आ चुका हूं। तो सबसे पहले हम लोग साइज की बात करते हैं। तो गाइस इसका जो साइज आपको 45 से लेकर 53 तक रखना है, 45 से लेकर 53% तक रखना है। मेरा एडवाइस रहेगा गाइस आप 50% रखो, जो कि सबसे बेस्ट है। और आपको पता होगा जो आपका 4GB रैम मोबाइल होता है उसका मोबाइल का स्क्रीन बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए आप थोड़ा सा ड्रैग वाला बटन का साइज बड़ा भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं अगर आप 4GB रैम मोबाइल में खेलते हो तो आपका जो ड्रैग वाला बटन उसका पोजीशन किधर रखना चाहिए। तो जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हो मैंने नीचे रखा है, बट मैंने जितना लो एंड डिवाइस में नीचे रखा था उतना नीचे नहीं रखा है, मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा है, क्योंकि जो आपका 4GB रैम मोबाइल होता है उसका मोबाइल का स्क्रीन बड़ा होता है और जो मोबाइल का सेंसिटिविटी होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए आप पूरा नीचे मत रखो, थोड़ा सा ऊपर रखो, जिससे आपको जितना ड्रैग चाहिए उतना मिलेगा, और ऐसे आपको हेडशॉट या वन शॉट मारने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी बात करते हैं अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो, मीन 6GB 8GB रैम में खेलते हो, तो आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज एंड पोजीशन क्या रखना चाहिए। तो जैसे आप अभी बैकग्राउंड में देख सकते हो मेरे हाथ में भी 8GB रैम मोबाइल है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने कस्टम एचयूडी सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो देख सकते हो गाइस मैं अपने कस्टम एचयूडी में आ चुका हूं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग ड्रैग वाले बटन की साइज की बात करते हैं। तो गाइस अगर आप हाई डिवाइस में खेलते हो तो आपका जो ड्रैग वाला बटन है उसका साइज आप 50 से लेकर 57% तक रख सकते हो। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि आप 53% रखो, 53% से लेकर 55% तक रखो, जो कि बेस्ट साइज होता है, और जो आपका हाई डिवाइस होता है उसका मोबाइल का स्क्रीन भी बड़ा होता है, तो आपको मतलब क्लिक करने में तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अभी बात करते हैं इस ड्रैग वाले बटन की पोजीशन की। तो पोजीशन का हिसाब जैसे देख सकते हो मैंने जंप बटन और सीटअप बटन के बीच में डाला है, और आप चाहो तो थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हो, क्योंकि आपका जो हाई डिवाइस होता है उसका मोबाइल का सेंसिटिविटी बहुत अच्छा होता है, और जो हाई डिवाइस होता है उसका मोबाइल का स्क्रीन भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए आपको जितना ड्रैग चाहिए उतना ड्रैग मिलेगा, आप थोड़ा सा ऊपर भी रखोगे तो। और गाइस मैंने जितना ड्रैग वाला बटन रखा है वो सबसे बेस्ट पोजीशन है, उधर आपको हेडशॉट या वनशॉट मारने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी हाई एंड डिवाइस में खेलते हो। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और गाइस मैंने जो आपको हाई एंड डिवाइस, लो एंड डिवाइस और मीडियम डिवाइस का परफेक्ट फाइव बटन साइज एंड पोजीशन बताया वो हर एक कंपनी के मोबाइल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस मैंने जो जो डिवाइस का आपको परफेक्ट फाइव बटन साइज एंड पोजीशन बताया उसमें कम से कम 2 नहीं तो 3 हफ्ते प्रैक्टिस करना, फिर आपके हेडशॉट या वनशॉट एकदम इजीली लगने लगेंगे। तो चलो गाइस आज की वीडियो में इतना है, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आओ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।